यहाँ से आप लोग धनकाते किस खाते हुए लेके जाओगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की बच्चियों को अपनी भांजी कहकर पुकारते हैं। मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले भांजियों के पैर धुलाई का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मामा के राज्य में ही जहां महिला अपराधों पर बढ़ोतरी हो रही है, वहीं शिक्षा विभाग इन भांजियों के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। दरअसल छात्राओं को विद्यालय जाने में असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार साइकिल का वितरण करती है, लेकिन यह साइकिल वितरण की योजना शुरू से ही भ्रष्टाचार का शिकार हो चुकी है। साइकिल खरीदी से लेकर वितरण तक भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेंगे किस तरह से शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी अपने हठधर्मिता के चलते शासन की योजनाओं का पतीला लगा रहे हैं। दरअसल छात्राओं को जो साइकिल वितरित की गई है वह कंडम हालत में वर्षों से पड़ी थी। शिक्षा विभाग जंग खाती साइकिलें छात्राओं को थमा दिया है। अब छात्राएं कंडम साइकिलों को घसीटते हुए अपने खर्च से बनवाने के लिए मजबूर हो रही हैं। उक्त छात्राओं की दशा को जब हमारे कैमरे ने कैद किया तो छात्राओं ने जहां आप बीती बताई, वहीं SDM और विद्यालय के प्राचार्य ने भी सफाई दी है। हालांकि रीवा जिला प्रशासन सफाई देने में माहिर है, लेकिन जो दृश्य कैमरे में कैद हुए हैं उसे नकारा नहीं जा सकता है। आप देखिए पहले किस तरह से शासन की योजना कबाड़ हो रही है और अधिकारी किस तरह से गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जिसे देख और सुनकर आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से मामा की भांजियों के साथ अन्याय हो रहा है। रुकना बेटा, रुको। ए गुड़िया, ये दिखाओ गए हैं अभी कहाँ आपको? मार्टिन कुमार 3 में SK स्कूल में रैंक लो, अभी ले जाएंगे स्कूल में, फिर बनवा के देंगे। साइकिल मुझे चैन पड़ा दिया बाहर, जानते क्या है नहीं चैन पड़ा, रुंडलियों वाली टूटी है, जगह नहीं है वहाँ पे आप काम कर रहे हो, जाली वाली टूटी है और साइकिल में चैन बड़ा जो है। मैंने उनको बोला है बच्चों को जो भी इसमें छोटी मोटी कमियां हैं आप स्कूल की तरफ से सुधरवाने का प्रयास किया जाएगा, और दिवस आपने भी यही निर्देश दिया हुआ है। बाकी साइकिल रखने का उठाने का सारी जवाबदारी उनका है, जो साइकिल मिली अपने को वो अपन उनको दे रहे हैं बच्चों को। मैंने कहा है कि छोटी मोटी जो कमियां हैं उसको यहाँ पे सामने, इसके लिए सर वहाँ से व्यवस्था नहीं की गई तो हम लोग क्या करें। नहीं, ये टीचर थे जो है, दो टीचर थे उन्होंने और दो चपरासी थे, उन्होंने साइकिल हमारे साथ गए थे निकलवा करके, हम ही लोगों ने निकलवाई, हम ही लोगों ने पूरे कहा कुछ नहीं है, घंटे नहीं है, दूरी नहीं है, जाम ही चल रहा है। जब विकास खंड स्तर से साइकिलों का वितरण होना है, रीवा जिले में जितने विकास खंड हैं, विकास खंड शिक्षा अधिकारी एक समिति गठित करते हैं और उस समिति में अलग अलग सदस्य हैं, प्राचार्य हैं, व्याख्याता हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनकी निगरानी में मरम्मत कराकर वितरित की जाएंगे। मरम्मत करा के ही दी जानी है, उसमें टायर ट्यूब जो गड़बड़ हैं, रबर आइटम ज़्यादा गड़बड़ हैं, क्योंकि कोरोना में साइकिलें रखी थी तो मतलब आपको जो कंडम साइकिलें हैं उन्हें किसी भी को वितरित नहीं करना, तो बगैर साइकिल की मरम्मत के किसी भी। देखिए ये तथ्य आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा साइकिल वितरण में साइकिलों को ठीक ढंग से रख के उनको नहीं दिया गया है। आप वीडियो वगैरह भी आप लोग जो दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग देखते हैं, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे जी हैं वो उसकी जाँच करेंगे, और यदि इसमें किसी की लापरवाही पाई जाती है और आपके द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत सही है तो संबंधित प्राचार्य हैं उनके खिलाफ़, और ये जो साइकिल वितरण के प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में है उनको नोटिस वगैरह देकर इसमें कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए, शासकीय योजनाओं का लाभ
हितग्राही तक ठीक ढंग से मिलना चाहिए और वो सब मिलने वाली सामग्री भी गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। यदि कोई इसमें किसी ने विसंगति की है उसको समझ कार्रवाई की जाएगी।